वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने ही हाथों से अपने ही जिस्म के साथ खेलने का जज्बा, जिसको उर्दू जबान में मुश्तजनी कहते हैं, अपने ही हाथों से अपनी जवानी को जाय करते हैं। इसलिए कि शादी नहीं हुई, गंदे मनाजिर देख रहे हैं तो मुश्तजनी कर रहे हैं। और मुश्तजनी करने का हाल क्या है वो आपको बताऊं। 124 पागलों का इंटरव्यू लिया गया। कितनों का? 124 पागलों का। 124 में से 24 लोग जो पागल हुए वो मुश्तजनी की वजह से। मुश्तजनी पागल करता है। कमर में दर्द, दिन भर सुस्ती का होना, चिड़चिड़ापन, आंखें बिल्कुल सूनी सूनी हो जाना, आंखों के अंदर पीलापन आ जाना, चेहरों का उबार खत्म हो करके अंदर धस जाना, मुर्दा चलता फिरता मुर्दा बन जाता है मुश्तजनी करने वाला। अल्लामा अब्दुल अली मेहदी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह मुबल्लिगे इस्लाम ने पूरी किताब लिखी है इस पर, उठा करके पढ़ो। अपनी जवानी की ताकत को गुसल खानों में जाय मत करो, बैतुल खला में जाय मत करो, इंटरनेट की गंदगी देख देख कर जाय मत करो। एक तो ये जिस्मानी फिजिकली नुकसान है, क्या आंखों का नूर गया, चेहरा बिल्कुल उदास हो गया, कमर का दर्द, जिस्म के दर्द, सुस्ती, कायली, कोई काम करने को जीना चाहना, चिड़चिड़ापन होना, तन्हाई पसंद करना, शादी की बात आए तो खुदकुशी की धमकी देना, मर जाने की धमकी देना, 5 साल बाद शादी करेंगे, 2 साल बाद शादी करेंगे, 10 साल बाद शादी करेंगे। याद रखना, ये तो दुनियावी नुकसानात है। अल्लाह अकबर, जिनको ये गंदी आदत पड़ जाती है, पहली दूसरी मर्तबा में तो बहुत लुत्फ लोग पाते हैं, लेकिन याद रखना, गुनाह में लज्जत तो है लेकिन नुकसान कितना बड़ा है। शैतान तन्हाइयों में तुम पर गालिब आता है, लेकिन अपनी कौम के जवानों, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, जब किसी को ये गुनाह करने की आदत पड़ जाती है, वो बीवी के काबिल नहीं रह जाता, वो मर्द होकर मर्द नहीं रह जाता, वो लोगों के दरमियान उठने बैठने के काबिल नहीं रह जाता, वो लोगों के दरमियान इज्जत के साथ बैठने के काबिल नहीं रह जाता, वो शर्मीली निगाहों वाला हो जाता है, चेहरा झुकाने वाला हो जाता है, निगाह चुराने वाला हो जाता है, पत्ता खड़के तो भी उसके दिल के अंदर जो है वो वहशत पैदा होती है। मेरे अजीज, तू कोई बुजदिल कौम का इंसान नहीं है। मेरे नौजवान, तू वो है जिन जवानों ने उन दुलूस के साहिल पर दीन के लिए कश्तियां जलाई थी। तू उन जवानों की विरासत में है, तू उनके वारिसों में है जिसने बैतुल मक्दिस पर इस्लाम का परचम लहराया था। तू उन जवानों का वारिस है जिसने सिंध के साहिल पर इस्लाम का परचम लहराया था। तू उन जवानों के वारिसों में है। नादानी ना करो, बुजदिल ना बनो। मुश्तजनी करने वालों को तन्हाई में डर लगता है, अगर तेजी से हवा चले वो भी घबरा जाते हैं, इख्तलाज कल्ब यानी दिल की धड़कन उनकी तेज हो जाती है, उम्मुल अमराज का वो शिकार हो जाते हैं, बीमारियों की आमाज गा बन जाते हैं। ये तो दुनियावी नुकसानात है। और बिस्तर में छुप छुप के रोते हैं, लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। अल्लाह अकबर, ज़िना से जितना नुकसान है उससे ज्यादा फिजिकली तौर पर मुश्तजनी से नुकसान है। यानी अपने ही हाथों से अपने उज्व को रगड़ रगड़ करके अपनी जवानी को जाय करते हो। अल्लाह अकबर। अब आइए हदीस पाक में अल्लाह अकबर उसके अजाब के मुतालिक सुनने। अल्लाह अल्लाह, सहाबी रसूल बयान करते हैं, एक पूरी कौम को अल्लाह ने जमीन के अंदर धसा दिया जो कौम मुश्तजनी करती थी। यानी ये जो आप इंटरनेट पर नाबालिग मुहक्किकीन को सुनते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ये अपनी अकल के घोड़े दौड़ा ले नाबालिग मुहक्किकीन। हम लोग किसी नाबालिग मुहक्किक के कायल नहीं है। हमारे यहाँ मुहक्किक अलल इतलाक शेख अब्दुल अक मुहद्दिस दहलवी की तहकीक मौजूद है, अल्लामा इब्नुल जौजी की तहकीक मौजूद है, इमाम आजम की तहकीक मौजूद है, इमाम शाफई की तहकीक मौजूद है, इमाम मालिक की तहकीक मौजूद है, हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्ने हंबल की तहकीक मौजूद है, गौस आजम की तहकीक मौजूद है, और हमारे यहाँ 14वीं सदी में इमाम अहले सुन्नत
आला हजरत इमाम अहमद रजा की तहकीकात मौजूद है, हमारे बुजुर्गों की तहकीकात मौजूद है। आज लोग पता नहीं कहां कहां से उठ कर आते हैं और आने के बाद नाजायज चीजों को घुमा फिरा करके अपनी तबीयत के मुताबिक नौजवानों को अपने फिरके से जोड़ने के लिए और उनको मुतासिर करने के लिए, उनको सहूलत देने के चक्कर में उनको गुमराही के जब वो अंधेरे में ढकेलने की कोशिश करते। सुन लो, सहाबी रसूल कहते हैं कि एक कौम को सिर्फ इसलिए जमीन में धसा दिया गया कि वो अपने हाथों से मुश्त जनी करती थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कयामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके हाथ हामला होंगे, हामला यानी हाथों पर हमल का असर होगा। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, हुजूर हाथों पे हमल हो, हाथों पे हमल का असर होगा। आका फरमाते हैं, हुजूर किसके? फरमाया जो अपने हाथों से अपने उज्व को, शर्म को रगड़ते होंगे और रगड़ करके अपनी जवानी को जाय करते होंगे, जब वो कयामत के दिन उठेंगे तो उनके हाथ हामला होंगे, हामला। और फिर एक रिवायत है, कयामत के दिन जब एक बंदे को लाया जाएगा तो इस हाल में वो आएगा, सुन ले ऐ मेरी कौम के जवानों, खुदा के लिए अपने आप पर रहम करो, दुनिया और आखिरत को तबाह ना करो, बर्बाद ना करो, तुम अपनी कौम का बड़ा कीमती सरमाया हो, तुम्हारे दरमियान नंगी फिल्में लाकर, तुम्हारे दरमियान गंदी फिल्में लाकर, तुम्हारे दरमियान गंदे मनाजिर लाकर तुम्हें तबाह किया जा रहा है, तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है। खुदा के लिए तुम बर्बादी के चक्कर में ना आओ, अपनी निगाहों में तकद्दुस पैदा करो। आओ आओ, एक शख्स को मैदान महशर में लाया जाएगा और इस हालत में लाया जाएगा, जब वो आएगा तो उस वक्त उसके पास कटे हुए सर के यानी बगैर सर के हजारों बच्चे होंगे और कटे हुए सर के बच्चे कहेंगे, इंसाफ इंसाफ इंसाफ, आज अदल का दिन है, आज इंसाफ का दिन है। कुदरत का मुनादी कहेगा, क्या चाहते हो? तो वो कटे हुए बच्चे जो बगैर सर के बच्चे होंगे कहेंगे कि ये वो शख्स है जिसने हमें नालियों में बहा दिया था, जिसने हमें गुसलखानों में बहा दिया था, यानी अपनी शर्म की जगह को मल मल के इसने अपनी जवानी को, अपने मादे को जो है वो जाय कर दिया था, उसी के अंदर हम मौजूद थे। इसलिए कतरों के एक कतरे के अंदर लाखों बच्चों की पैदाइश की सलाहियत होती है, तो जिसने कतरा जाय किया उसे लाखों बच्चों के कत्ल का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अल्लाह अकबर, आप गौर करें, अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत है, कुव्वत है। जब अल्लाह ने हलाल ज़राए पैदा किए हैं तो क्यों हराम के अंदर डूबे हो, क्यों गंदी फिल्में देखते हो, क्यों इंटरनेट की नौसतों में मुलव्विस हो? अब बहुत से लोग कहते हैं हम निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। बस एक बात आपसे कहता हूं, हर गुनाह से निकलने का, बचने का सबसे खूबसूरत जरिया यह है, जब भी गुनाह करने को तबीयत चाहे तो यह तसव्वुर करना, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। नादान, अरे जब इबादत करते वक्त यह तसव्वुर रखने का हुक्म है कि अल्लाह देख रहा है, तो गुनाह करने को जब दिल चाहे तो यह क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह देख रहा है? मेरे आका से पूछा गया एहसान क्या है, तो आका अलैहिस्सलाम ने यही तो फरमाया था, अंता अबुदल्ला कान्नक तरा फइल्लम तकुन तरा फइन्नहु यरा, कि जब तू इबादत करते शान से कर, गोया तू अल्लाह को देख रहा है। और अगर ये तसव्वुर नहीं कर सकता तो ये सोच कि अल्लाह तुझे देख रहा है, और वो तो तुझे देख ही रहा है। जब इबादत के वक्त ये तसव्वुर करने का हुक्म है कि अल्लाह देख रहा है, तो तन्हाइयों के अंदर जब जवानी जाय करने का मन चाहे, जब गंदी फिल्में देखने का मन चाहे, जब सेना के अड्डों पे जाने का मन चाहे, जब जुआ के अड्डों पे जाने का मन चाहे, जब किसी के हुस्न से लुत्फानंदोज होने का मन चाहे, उस वक्त तसव्वुर करना अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। और इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान तफसीर अलम दशरा में एक हदीस लिखते हैं अपनी किताब के अंदर, कि जो बंदा किसी ऐसे मंजर को जिसको अल्लाह ने देखने से मना किया है, उस मंजर को देखने से निगाहें रोक ले इस तसव्वुर के साथ कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह उसी वक्त उसको जन्नत नईम में बेहिसाब दाखिल करने का वादा फरमा लेता है, जन्नत नईम में उसका दाखला लिख देता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, ये गुनाह बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक बात कहता हूं, अगर तौबा करोगे ना, तौबा करोगे तो इंशाल्लाह ये बीमारी का हल भी अल्लाह अता कर देगा अल्लाह ताला। एक नौजवान के वालिद, मैं अपनी बात पे नहीं अल्लाह उसके रसूल पे यकीन कर गया, एक नौजवान के वालिद मेरे पास, उन्होंने कहा बेटे की मंगनी हो चुकी,
और मंगनी हो गई और वो अब शादी के लिए ना बोलता, आप अगर कहेंगे तो मान जाएगा। मंगनी होने वक्त गुजरा, अब शादी नहीं करता हूँ, बहुत बेइज्जती होगी मेरी बिरादरी। मैंने उसको बुलाया, मैं कहा तू शादी? उसने कहा मैं नहीं कर सकता। मसला क्या मुझे बता। उसने बताया कि मेरे दोस्त को एड्स हो गया, वो मर गया, फला फला नाम भी बताया। कहा बिल्कुल मर गया। बोले जितनी बार उसने बदकारी की जना की उतनी बार मैंने भी की, एक एक दिन में दो दो तीन तीन बार गए बदकारी की। अब मैं सोचता हूँ कि शादी करूंगा तो मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। जब मेरे दोस्त जितना मैंने भी किया तो मुझे एड्स तो हो गए। मैंने कहा तू शादी की तारीख के लिए हाँ कर, मैं गारंटी देता हूँ तुझे एड्स नहीं होगा, शर्त तो सिर्फ एक है, तू सच्ची तौबा कर, इसके बाद मत जाना। अगर अल्लाह ना करे तुझे एड्स होगा ना, तू मेरा दामन पकड़ना, मैं मौजूद, जो चाहे फिर तू मुझे सजा दिलवा देना, दे देना, नहीं होगा शादी के लिए हाँ कर। इत्तेफाक से उन दिनों काफिला अजमेर शरीफ जा रहा था, मैं उसको साथ लेके गरीब नवाज की चौखट पे उसको तौबा करें। उसने कहा लेकिन आप मेरा नाम कहीं नहीं लेंगे। मैंने आज तक कहीं उसका नाम नहीं, ना दोस्तों को बताया, यारों को बताया, घर वालों किसी को नहीं बताया, वो जानता है मैं जानता हूँ। आपको पता है उसने तौबा की, मुझे यकीन है जो सच्ची तौबा करता है, जमीन इंसान के गुनाह की गवाह होती है, लेकिन जब इंसान तौबा करता है तो अल्लाह जमीन को भी भुला देता है कि उसके ऊपर गुनाह हुआ। फरिश्ते गवाह होते हैं, अल्लाह फरिश्तों की फेरिस्त से भी वो गुनाह निकलवा देता है कि इसने गुनाह किया। आजा गवाह होते हैं, आजा को भी भुला देता है कि गुनाह किया है। बल्कि सच्ची तौबा की बरकत तो ये है, इंसानों में भी अगर कोई उसका गुनाह देख ले और वो सच्ची तौबा कर ले तो वो इंसान भी उसके गुनाह भूल जाते। सच्ची तौबा कर दिया, सच्ची तौबा हर गुनाह का इलाज है, हर गुनाह का, हर सच्ची तौबा। आपको कोई बीमारी लग गई, लगने का डर है, सच्ची तौबा कर। लेकिन सच्ची तौबा का मतलब बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बकरी के थन से जब दूध निकलता है तो जिस सुराख से दूध निकलता है दोबारा उसी सुराख से थन में दूध वापस नहीं जाता। जब कोई ऐसी तौबा करे, ऐसी तौबा, ऐसी वाली तौबा कि फिर उसकी तरफ नहीं जाना, कोई अल्लाह की कसम दे, माँ की कसम दे, बीवी की कसम दे, बच्चे की कसम दे, कुरान की कसम दे, और कोई कसम दे के गुनाह की तरफ ले जाए, किसी कसम पे मत जाना गुनाह की तरफ। इसलिए कि गुनाह के लिए कौन सी कसम, अगर कोई कहता है ना अल्लाह की कसम से ना करते पे चल नहीं जाना। आजकल ये भी होता है लड़के लड़कों में दोस्ती हो गई कि मुझे तेरे से बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह की कसम मेरे साथ बदकारी कर, नहीं करना। लोग उस कसम पर जज्बाती हो जाते, भाई अल्लाह की कसम दी अब मैं क्या करूं, नहीं करना। किसी लड़की से दोस्ती है, उसने कहा अल्लाह की कसम तू मेरे साथ ऐसा कर, नहीं करना। इसलिए कि गुनाह के मामले में कोई कसम नहीं है, और अगर कोई अल्लाह और कुरान की कसम देके गुनाह करवाता है आपको, नहीं करना। गुनहगार वही होगा जो कसम दे रहा है, आप कसम ना लो, आप पर कोई गुनाह नहीं है। ये उलमाए किराम मौजूद है, आप देखें, गुनाह पर कोई कसम नहीं खाई जा सकती, गुनाह पे कोई कसम नहीं उठाई जा सकती। और माज अल्लाह अगर कोई गुनाह करवाने के लिए कसम देता है तो उसकी कसम को ना मानो, उसकी कसम का कोई एतबार नहीं है। मेरी गुजारिश है, तौबा हल है हर गुनाह का। बीमारी का डर है, सच्ची तौबा करो। कैसे कैसे लोगों ने तौबा की, अल्लाह ने उनकी तौबा की लाज रखी। और अल्लाह पाक फरमाता है अल्लाह से बढ़कर कौन मेहरबान है मेरे भाई, हमने सब कदर की। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरे, तूने अपनी अल्लाह की वो कदर नहीं की जैसा कि कदर करने का हक था। जिसने तुझे बुलाया चुमकार के, तू सब की तरफ आया मेरे भाई, लेकिन अल्लाह तुझे बुला रहा है, फसिरू इल्लाह, कहा जा रहा है दौड़ो अल्लाह की तरफ, अल्लाह तुझे बुला रहा है। क्या बुला रहा है? अरे उसकी तो शान ये है, जब रात का आखिरी पैर आता है तो वो अपनी रहमत वाली चादर तान कर कहता है, रात के पापियों सुबह होने से पहले पहले तौबा कर लो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। और जब शाम होती है तो सूरज गुरूब होने से पहले पहले अपनी रहमत वाली चादर तान के कहता है, दिन के पापियों शाम होने से पहले पहले तौबा कर लो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं।